नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल रावत ने ये आदेश जारी कर दिया है कि अब रिटायर्ड अफसरों के घर में सहायक नहीं जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, सहायक, सेवादार, अर्दली, हेल्पर, बड्डी, अलग अलग नामों से प्रचलित अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुप्रथा, जिसके खिलाफ मुंह खोलने पर कई जवानों को सजा तक काटनी पड़ी। आजकल सोशल मीडिया में आए दिन किसी न किसी जवान का वीडियो वायरल होता रहता है। 18 मई को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आदेश जारी कर दिया है कि अब रिटायर्ड अधिकारियों के पास सहायक नहीं रहेंगे। माना जा रहा है सेना प्रमुख के इस आदेश के पीछे यह उद्देश्य है कि सैन्य कर्मी जिस कार्य के लिए हैं वो वही कार्य करें और अपना मोर्चा संभालें, ना कि अफसरों के लिए कैंटीन का सामान लाना, गोल्फ कोर्स के चारों तरफ अफसरों का सामान लेकर घूमना और उनके घरेलू कामों में लगे रहना इत्यादि। इसी कड़ी में 6 ईयर से अधिक समय से सेना भवन में रह रहे जवानों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और इसी तरह के बदलाव अधिकारी लेवल पर भी किए गए हैं। दोस्तों, यह मुद्दा रक्षा मंत्री के समक्ष भी उठाया गया है। सेना मुख्यालय की तरफ से यह व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई जवान इस तरह की ड्यूटी में पाया जाता है तो उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के अंगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सहायक या सेवा प्रथा जो भी कहो, किसी न किसी लेवल से खत्म करने की शुरुआत तो हुई, अच्छी बात है। जिन जवानों को यह शिकायत है कि हमसे शू पॉलिश कराई जाती है, कुत्तों को घुमाने का कार्य कराया जाता है और भी घरेलू अन्य कार्यों में लगाया जाता है, तो अब दोस्तों जवानों को किसी न किसी लेवल पर तो इस सहायक प्रथा से छुटकारा मिला। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।